और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार और एलजी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एलजी विनय सक्सेना और अधिकारियों की शिकायत की है। दिल्ली में मंत्रियों के आदेश की अवहेलना हो रही है। नौकरशाह बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं। चुनी हुई सरकार के साथ उदासीनता का व्यवहार हो रहा है। विनय सक्सेना के एलजी बनने के बाद ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो एलजी और सरकार के बीच की जो तनातनी है वो लगातार हमको देखने को मिली और अब ये लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई पहुंची और सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एलजी विनय सक्सेना और अधिकारियों की शिकायत की है। दिल्ली में मंत्रियों के आदेश की अवहेलना हो रही है, सरकार ने यह कहा है। और साथ ही ये कहा है कि जो नौकरशाह हैं वो मीटिंग्स में नहीं आते। चुनी हुई सरकार के साथ ये उदासीनता का व्यवहार हो रहा है। विनय सक्सेना के एलजी बनने के बाद समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। ये सिसोदिया ने शिकायत की है सुप्रीम कोर्ट में। दीपक रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, लगातार एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जो विवाद है वो गहराता ही जा रहा है। उम्मीद थी कि शायद इस पर कुछ रोक लगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्या है पूरा मामला अभी का ताजा, जरा वो बताइए। देखिए, पहला मामला नहीं है, इससे पहले ही लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है कि आखिर दिल्ली पर किसका अधिकार है, चुनी हुई सरकार का या दिल्ली के उपराज्यपाल का। और इस मामले की सुनवाई जब चल रही है तो इस दौरान मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नया हलफनामा दिया और नए हलफनामे में नए एलजी को कटघरे में लिया है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जब से विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति हुई है, तब से चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। तमाम विवाद जो हैं सामने आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप देखें तो जैसे ही विनय कुमार सक्सेना ने चार्ज लिया था, उसके कुछ दिनों बाद नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए जिस पर इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद उन्होंने बस खरीद पर सवाल उठाए थे, उस पर भी इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला एक अभियान था प्रदूषण को लेकर, उसकी फाइल रोक दी गई थी। और उसके बाद जो योगा क्लासेस दिल्ली में चलाई जा रही हैं उसको भी आगे बढ़ाने से रोक दिया गया था। तो लगातार दिल्ली सरकार और नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच में जंग जारी है और इसी को लेकर एक नया हलफनामा दिया गया है। 24 नवंबर को इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन इसमें अब तक कुछ भी निकल कर नहीं आया, क्योंकि इससे पहले के जो उपराज्यपाल हैं, चाहे वो अनिल बैजल रहे हों चाहे नजीब जंग रहे हों, उस दौरान से ही लड़ाई चलती है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दीपक रावत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।